हेलो दोस्तों, हाल ही में बीआरओ ने एक वैकेंसी निकाली। 4 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके अंदर 350 वैकेंसियां थी टोटल। ठीक है, उसके अंदर सबसे अधिक वैकेंसी थी व्हीकल मैकेनिक की। व्हीकल मैकेनिक की अपने पास 293 वैकेंसी है, और इसमें जनरल कैटेगरी की 121 वैकेंसी और ओबीसी की 64 वैकेंसी है, और एससी एसटी की वैकेंसी यहाँ पे आप देख रहे हो, और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 29 वैकेंसी थी। तो हम देखते हैं कि हमने देखा कि फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं। ठीक है, लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। फॉर्म फिल करने के बाद में एक कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। कट ऑफ हम देखेंगे कि कट ऑफ पिछली बार कट ऑफ कितनी रही थी। ठीक है, पिछली बार कट ऑफ कितनी रही, और उसके बाद का जो प्रोसेस है कि हमें कितना नंबर लाना होगा, कम से कम कितने नंबर लाने होंगे जिसके द्वारा हम इसको क्वालिफाई करें, इस एग्जाम को क्वालिफाई करें और एक हमें ज्वाइनिंग प्राप्त हो। ठीक है, तो हम 2019 की लास्ट वैकेंसी थी उसके आधार पर आज हम देखेंगे कि हमें कितने नंबर लाने हैं और कितने क्राइटेरिया, कितना क्राइटेरिया हम पार करते हैं 10वीं की मेरिट के आधार पर, कितने क्राइटेरिया बनेगा जिससे हमारे पास एडमिट कार्ड आएगा उसका। ठीक है, तो 2019 के अंदर जो ड्राइवर की वैकेंसी थी ये, तो उसके अंदर सभी मतलब जितनी भी ट्रेड थी, जितनी भी ट्रेड थी उनका 65% होना जरूरी है। 10वीं में 65 नंबर है, 65% जिनके हैं 10वीं में, उन लोगों के सबके एडमिट कार्ड आए हैं। ठीक है, तो इस बार हो सकता है कि व्हीकल मैकेनिक है उसके अंदर भी 65 जाए, लेकिन जो ड्राइवर की पोस्ट है ट्रांसपोर्ट की, उसके अंदर हो सकता है कि 70 क्राइटेरिया 70% रखे। क्योंकि 70% क्यों रखा जाए, क्योंकि जो बच्चे हैं बहुत अधिक अप्लाई करेंगे, उनके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस होगा और 10th पास हो गए, तो 100% श्योरिटी है कि इसकी कट ऑफ ऊपर जाएगी। क्राइटेरिया जो एडमिट कार्ड आने की कट ऑफ है इसकी ऊपर जाएगी, और व्हीकल मैकेनिक की लो जाएगी। क्यों जाएगी लो? क्योंकि इसके अंदर ट्रेड आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा है। आईटीआई सर्टिफिकेट हर किसी के पास तो होगा नहीं, जिस बंदे ने आईटीआई करी होगी उसी के पास होगा, तो 10th पास होना चाहिए प्लस उसके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का। डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक या इसी इन रिलेटेड जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उन ट्रेड से होना चाहिए वो बंदा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कम से कम 10th में आपके 65% होने चाहिए, 65% नॉर्मली होंगे आपके। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि हम आगे कितने परसेंट हमको चाहिए। उसके बाद में 2019 की वैकेंसी देख लेते हैं हम। व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट थी 92, और इस बार हमारे पास देखो कितनी पोस्ट है, 300 पोस्ट है, 3 गुना पोस्टें हैं हमारे पास इस बार, तो चांस अधिक है। ठीक है, और इसके अंदर कट ऑफ देखते हैं हम। कट ऑफ 2019 की ये कट ऑफ है, व्हीकल मैकेनिक की कट ऑफ 2019 के अंदर जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है 60 नंबर, 60 नंबर, 100 में से 60 नंबर आने चाहिए। 92 देखो, 92 कैंडिडेट उसमें पास हुए हैं और इनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया है, और 92 है, और वैकेंसी भी कितनी थी 92, जितने कैंडिडेट की वैकेंसी है उतने कैंडिडेट को ही यहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाएंगे। ठीक है, और मेडिकल के लिए कितने 92 कैंडिडेट को बुलाया है, और इसकी कट ऑफ कितनी गई है 60 नंबर इसकी कट ऑफ गई है। एससी और एसटी की कट ऑफ देख लो, 54 नंबर, 56 नंबर, 58 नंबर, 50 नंबर। कम से कम आपका टारगेट इस बार 60 नंबर या इतना नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन इसकी कट ऑफ जाएगी कितनी 40 नंबर और 45 नंबर के आसपास, 40 या 50 नंबर के आसपास, आप मान के चलो कि 40 और 50 नंबर के बीच में इसकी कट ऑफ जाएगी। क्योंकि पिछली बार वैकेंसी ही 100 थी ना, तो इस बार 100 से बढ़ के ये वैकेंसी हमारे पास हो गई है, 3 गुना इसकी वैकेंसी, 3 गुना वैकेंसी हुई है, तो इसकी कट ऑफ नॉर्मली हम मान के चलते हैं 40 से 50 नंबर के बीच में इसकी कट ऑफ जाने वाली है जनरल कैटेगरी की। एक सुनहरा मौका है आपके पास ये जॉब प्राप्त करने का। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए और अप टू डेट हम आपको जानकारी देते रहेंगे एडमिट कार्ड आने की, और फिजिकल कब होगा इसका, मेडिकल कब होगा, सभी। चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और ऐसी ही जानकारी आपको प्राप्त हो, और नई वैकेंसियाँ जो आने वाली है उसके बारे में आपको प्राप्त होगी, और स्टडी के रिलेटेड जो मटेरियल होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे बीआरओ के अंदर। धन्यवाद।